हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं अल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे और अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या खोज की थी। अल्बर्ट आइंस्टीन एक महान, बहुत ही प्रसिद्ध और दुनिया के जाने माने वैज्ञानिक और भौतिक शास्त्री थे। संसार में शायद ही कोई इंसान होगा जो उनके द्वारा किए गए महान और प्रसिद्ध कार्यों के बारे में ना जानता हो। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 300 से अधिक वैज्ञानिक शोध पत्रों का प्रकाशन किया, जिनकी वजह से इनका नाम आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अल्बर्ट आइंस्टीन एक बहुत ही बुद्धिमान और सफल वैज्ञानिक थे। 1921 में आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या के लिए भौतिकी का नोबल पुरस्कार भी जीता। अल्बर्ट आइंस्टीन का पूरा नाम अल्बर्ट हेरमन आइंस्टीन है। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को उल्मा जर्मनी में हुआ था। इनके पिता का नाम हेरमन आइंस्टीन और माता का नाम पोलिन कोच था। इनका विवाह 2 बार हुआ। इनकी पहली पत्नी का नाम मरियक और दूसरी पत्नी का नाम एलिसा लोवेनथाल था। अल्बर्ट आइंस्टीन की मृत्यु 18 अप्रैल 1955 में हुई थी। उनका सबसे प्रसिद्ध वाक्य था, एक व्यक्ति जिसने कभी गलती नहीं की है, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बहुत सारे आविष्कार और खोज की थी, जिनकी वजह से उनका नाम महान से महान वैज्ञानिकों में लिया जाता है। उनकी की गई खोज के नाम इस प्रकार हैं: फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। 1905 में आइंस्टीन ने मैक्स प्लैंक द्वारा पहली बार सामने रखी गई एक अवधारणा का उपयोग करते हुए फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के एक सिद्धांत का प्रस्ताव रखा कि प्रकाश में ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट होते हैं, जिन्हें फोटोन या लाइट क्वांटा के रूप में जाना जाता है। इसके अनुसार जब कोई पदार्थ किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण से ऊर्जा शोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, तो इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इस क्रिया में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन्हें प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। आइंस्टीन थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, विशेष सापेक्ष के सिद्धांत को अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में विकसित किया था और यह आधुनिक भौतिकी के आधार का हिस्सा है। थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी यानी विशेष सापेक्षता का सिद्धांत बताता है कि स्पेस और समय उन वस्तुओं के लिए कैसे जुड़े हुए हैं जो एक सीधी रेखा में एक कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। इसका सबसे प्रसिद्ध पहलू प्रकाश की गति से चलती हुई वस्तुओं से संबंधित है। आइंस्टीन के समीकरण E=mc² से पता चलता है कि ऊर्जा और द्रव्यमान इंटरचेंजेबल है। इस समीकरण में m ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान है, c स्पीड ऑफ लाइट है, e काइनेटिक एनर्जी को दर्शाता है। आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले 1905 में प्रस्तावित किया गया। वर्षों के अध्ययन के बाद 1916 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस सिद्धांत की घोषणा की तो विज्ञान की दुनिया में तहलका मच गया। ब्रोविनियन मूवमेंट यानी कि ब्राउनी गति, किसी तरल के अंदर तैरते हुए कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को ही ब्राउनी गति कहते हैं। ये कण तरल के तीव्रगामी कणों से टकरा टकरा कर टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। यह मोशन पानी में पराग कणों की सटीक गति से मिलता जुलता है, जैसा कि रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में समझाया था, इसीलिए इसे ब्राउनियन नाम दिया गया। ब्राउनियन गति का पहला संतोषजनक सिद्धांतिक रूप अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में प्रस्तुत किया था। उन्होंने समझाया कि पराग कणों को पानी के अणुओं द्वारा स्थानांतरित किया गया था। इस खोज ने परमाणुओं और अणुओं के अस्तित्व के महान सबूतों के रूप में कार्य किया।
जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत, एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो कहता है कि ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु की तरफ जो गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव देखा जाता है उसका असली कारण है कि हर वस्तु अपने मान और आकार के अनुसार अपने इर्द गिर्द दिक्काल में मरोड़ पैदा कर देती है। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, 1908 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत पेश किया। दरअसल पहले के सिद्धांतों में बताया गया था कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। आइंस्टीन ने बताया कि प्रकाश फोटोन के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है। इन पैकेटों को क्वांटा या फोटोन कहते हैं। आइंस्टीन को प्रकाश के फोटोन सिद्धांत के लिए नोबल पुरस्कार दिया गया था। 1918 में आइंस्टीन ने विकसित किया इस प्रक्रिया का एक सामान्य सिद्धांत जिसके द्वारा परमाणु विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन और अवशोषित करते हैं जो लेजर का आधार है। 1924 में सत्येंद्रनाथ बोस के साथ आइंस्टीन ने बोस आइंस्टीन के आंकड़ों का सिद्धांत विकसित किया और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट करते हैं जो सुपर फ्लूडिटी, सुपर कंडक्टिविटी और अन्य घटनाओं का आधार बनते हैं। आइंस्टीन रेफ्रिजरेटर, आइंस्टीन सीजलार्ड या आइंस्टीन रेफ्रिजरेटर एक एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर है जिसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। यह कांस्टेंट प्रेशर पर चलता है। इसमें काम करने के लिए केवल एक गर्मी का स्रोत ही आवश्यकता होती है। यह संयुक्त रूप से 1926 में अल्बर्ट आइंस्टीन और उनके पूर्व छात्र लियो सीजलर्ड द्वारा आविष्कार किया गया था, जिन्होंने 11 नवंबर 1930 में इसका पेटेंट कराया था। इस डिजाइन में काम करने वाले तीन तरल पदार्थ पानी, अमोनिया और ब्यूटेन हैं। आइंस्टीन रेफ्रिजरेटर स्वीडिश आविष्कारकों वाल्टर वान प्लेटन और कार्ल शटर द्वारा मूल तीन द्रव पेटेंट का विकास था। 1935 में बोरिस पोडाल्स्की और नाथन रोसेन के साथ आइंस्टीन ने आगे बताया कि EPR विरोधाभास के रूप में जाना जाता है और तर्क दिया कि क्वांटम मैकेनिकल तरंग फंक्शन को भौतिक दुनिया का अपूर्ण विवरण होना चाहिए।